प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने संतर्पणोत मधुमेह उस पर हमने बात किया, लेकिन वो टॉपिक इतना वास्ट है तो एक लेक्चर में नहीं होगा। कल सुबह 11 बजे एक हमारा फ्री डेमो क्लास का हमने सेशन शुरू किया है, उसमें वो बात को हम लोग रखेंगे। और आप लोग का जो भी अनुभव है वो आप लोग जरूर उधर बताइए, शेयर करिए, क्योंकि ना शास्त्र को जितना बार पढ़ते हैं उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन जब चर्चा किया जाता है तो बहुत सारी चीजें जो हम एक इंसान नहीं सोच सकता वो बहुत सारे और विद्वान लोग की बात सुनते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। और यही पढ़ाई की परंपरा हमें आचार्य चरक जी ने बोली है। उन्होंने वैद्य के लक्षण में बोला है, बहुश्रुतम, बहुत बार सुना हुआ वैद्य ही श्रेष्ठ होता है। तो जो जितने भी हमारे सम्माननीय चिकित्सक लोग हैं तो उनका बात जरूर सुनना ही चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप एक क्लिनिक में बैठे हैं और सोचेंगे कि हमने शास्त्र पढ़ लिया और सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो अभी मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग आइए और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। देखिए आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? डॉक्टर तनिका मैम एक बार चेक करिए प्लीज, मैम सर, अनम्यूट कर यस पा रही सर, हैं? अनम्यूट हो रहा है सर। ठीक सर है, मैं एक प्रणाम सर, सर हो आप, रहा है। हाँ हाँ हो रहा है, बहुत अच्छा। तनिका मैम, वो हाइट बढ़ाने वाले पेशेंट को दवाई शुरू किया आपने? नहीं नहीं सर, वो आया ही नहीं सर, मंडे को आएगा, शादी में गया हुआ है ना, तो मंडे को आएगा, फिर मंडे से, मंडे को करूंगी बात। अच्छा, ठीक है हाँ मैम। जी सर, कोई सर मैं पेशेंट के बारे में कोई डिस्कस करना है तो बोलिए मैम। तनिका मैम यस सर मैं कर सकती हूँ। आप जरूर करिए मैम, मुझे तो चाहिए लोग बतियाने वाले। जी मैम, थैंक यू सर। सर हमारे यहाँ पे मेरे कजन सिस्टर हैं सर, उनकी एज होगी 38 ईयर, और सर उनको 6-7 साल से सर हाथों में कट्स पड़ते हैं, हैंड्स में, दोनों हाथों में कट्स पड़ते हैं, डीप कट हैं, इतने डीप कि वो डेली रूटीन का काम करने में उनको दिक्कत होती है, ब्लीडिंग हो जाती है बीच बीच में और पेनफुल हैं। और सर उनको 6-7 साल से स्टेरॉइड चल रही है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में है, अभी उसकी डोज बढ़ती जा रही है स्टेरॉइड की, तो जाड़ों में ये समस्या उनकी बढ़ जाती है। सर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए? सर वैसे वो बहुत ज्यादा संयमित रहती हैं खाने पीने में, जैसे बहुत लंबे समय से वो गोमूत्र का भी सेवन कर रही हैं और नीम के पत्ते भी खाती हैं, और मतलब सर बहुत मतलब कंट्रोल तरीके से रहती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे प्रॉब्लम है उनको। कोशिश करती हैं उनका कोष्ठ डेली शुद्ध होता रहे, कोई कॉन्स्टिपेशन ना हो। सर एक उनकी हिस्ट्री ये है कि उनको पहले हाइपर एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, गैस बहुत ज्यादा बनती थी और इस वजह से उनका हेडेक बहुत रहता था, लेकिन अब उन्होंने उसको भी मतलब योगा और प्राणायाम करके उसको काफी कंट्रोल कर रखा है। सर आप क्या मुझे लगता एक चीज बताइए मैम, एक चीज बताइए, आपने लक्षण बताए उस हिसाब से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप ऐसा सोचिए कि कोई खेत है ना, उसमें पानी नहीं डाला, बहुत सालों तक पानी नहीं गया, तो वो क्या होगा? जब सूखा है? यस पड़ता है तो क्या होता है? सर, हाँ वो क्या फटने लगता है, दरार पड़ने लगती है। वैसे ही यहाँ पर स्नेह की कमी हो रही है, वायु का प्रकोप हो रहा है, इसलिए त्वक भेद ऐसा हो रहा है, त्वचा फट रही है, इतनी यस सर, ज्यादा रुक्षता, खरता, परुषता इतना ज्यादा हो गया, फट रहा है पूरा। तो इसमें एग्जैक्टली आपको सर, ध्यान करना पड़ेगा, दीपन पाचन अनुलोमन करके अग्नि को बढ़ा के अभ्यंग करिए, कर्ण पूरण नस्य बस्ति, स्नेह देना जरूरी है, ठीक है गृत्पान। सर। पर हाँ सर, स्नेहन के लिए क्या बेस्ट रहेगा सर? आप बहुत सारी दवाइयां हैं अभी सर लोग बताएंगे, लेकिन चंदन बलाल अक्षदी तेल से अभ्यंग करा दीजिए, फिर उसके बाद में उनको बस्ती दे दीजिए, शीरबला तेल या दशमूल तेल, धन्वंतर तेल, और या फिर यमक जो रहते हाँ हैं दो स्नेह वाले, उससे अभ्यंग करें, वसा और मज्जा से अभ्यंग करा सकते हैं। अच्छा सर, ये धन्वंतर तेल की बस्ती सही काम करेगी? हाँ, धन्वंतर तेल है, शीरबला है, शुद्ध बला है, लाक्षादि तेल है, बहुत सारे ऐसे तेल देना पड़ेगा, कंटिन्यू देना पड़ेगा स्नेहन जब, क्योंकि कफ जो है वो चिपकाने का काम करता है धातुओं यस सर। को, कफ का क्षय हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है, वृक्षता बढ़ रही है, ठीक है बराबर है सर, ना जो मैं बोल रहा हूँ? स्टेरॉइड से देना ठीक होगा, वो सब इन्फेक्शन थोड़ी ना है, वो तो वायु आयुर्वेद से हम समझ सकते हैं चीजें।
आप एक बार इस विषय पे डॉक्टर त्रिवेदी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने शायद केस सुना होगा सर, या कोई भी कोई और जी बोलना चाहते हैं? हाँ सर बताइए जी मैंने सर। अभी सुना था, ये मुझे लगता है ये मॉइस्चराइजिंग जो फैक्टर है उसकी वजह से शायद दिक्कत है। ये बता रहे हैं एक तो हाथ फट बहुत रहे हैं, हाथ के तलवे और पैरों के तलवे भी फटते हैं क्या? यस सर, पैरों के तलवों में लेकिन कट नहीं है, उसमें कोई कट नहीं है, अच्छा कट ड्राइनेस है नहीं है, बस ब्लीडिंग कट तो नहीं होता है इन कट से कभी? सर, बस हाथों में है सर, तो ब्लीडिंग तो नहीं हुआ कभी? ब्लीडिंग भी होती है सर। अच्छा ब्लीडिंग होती है, हाँ हाँ सर, ओके। डीप तो कट है। ना क्या वैसे त्वक धारण शब्द बोला है सर, ना, त्वक धारण धारण हो रहा है। यस 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 यस, इसके लिए ना सबसे अच्छी दवा तो यूरिया है जो हम खेतों में लगाते हैं, लेकिन आप उसको बनाएंगे कैसे, ये एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा चलिए एक काम कर लेते हैं कि आप ना गंधक रसायन, यस सतगिलोय और आरोग्य वर्धिनी, अमृतारिष्ट और खद्रारिष्ट, ये तो ये हो गया। इसके साथ साथ एक चर्म रोग नाशक तेल होता है, अगर कहीं मिल जाए तो, या बना सकते हैं क्या तेल? मैं इंग्रेडिएंट बता सकता हूं उसके, वो हाँ बताइए चमड़ी सर। फटने की खास दवा है, नीम की छाल, हाँ चिराइता, हल्दी, दारू हल्दी, लाल चंदन, हरड़ बहेड़ा, आंवला और अड़ूसा, सिर्फ 9 चीजें हैं उसमें। हाँ तिल का तेल सभी हाँ जानते हैं, चौगुना जल मिला के वो इसका कल्क बना लो, कल्क से चौगुना तेल और तेल से चौगुना पानी। अगर आपको अच्छे तरीके से और पकाना है तो 6 गुना तक पानी रख सकते हैं और मंदाग्नि पे पकाएं, और जब ये उतर जाए, जब ये पूरा हो जाए तो उतार के ऐसे कर लें। आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले ना फिटकरी को थोड़ा सा पानी में घोल लें, एलम, उससे पहले हाथ साफ कराएं, या जॉनसन वॉयलेट आता है पर उससे हाथ नीले हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिटकरी से ना पहले हाथ साफ करा लें और फिर ये हाँ तेल लगाएं, दिन में भी और रात में तो लगा के रखें। यद्यपि यही पर्याप्त है, यही काफी इम्प्रूवमेंट कर देगा, और अगर ये नहीं होता तो फिर आप साथ में ये भी चला सकते हैं जो मैंने बताई है दवाएं, और अगर उनको लिवर की भी विकृति है तो इसमें ताप्यादि लोग भी मिला लेना साथ में, अक्सर होती है वो, आप देख सकते हैं ठीक है सर, जी। खदिरा बढ़िया। और अमृता रिस्ट मिला के दें, जिससे इन्फेक्शन भी दूर होगा और स्किन इन्फेक्शन भी दूर होगा दोनों तरीके से। गंधक रसायन और आरोग्यवर्धिनी मिला लें, और उसमें थोड़ा सा सतगिलोय मिला लें, और अगर वो है तो ताप्यादि लो दे सकते हैं उन्हें, अगर लिवर जैसे आपने बताया अग्निमान दे, पेट नहीं साफ रहता है, और भी कार्य बहुत सारी दिक्कतें हैं तो वो ताप्यादि लो भी दे दे साथ में। बाकी आप जो कर रहे हैं वो करते रहे, मुझे लगता है इससे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। थैंक यू सर। जी, ओके, शुक्रिया। थैंक यू नेहा मैम, आपने इतना अच्छा केस बताया। मेरे पास भी एक पेशेंट आई थी, उसको हाथ पैर में ऐसे फट रहा था, बहुत ज्यादा खून भी आ रहा था। तो मैं उस टाइम पे नया नया था, मैंने नया बीएमएस किया था, मुझे उतना आता नहीं था, आयुर्वेद प्रैक्टिकल नहीं आता था, थेरोटिकल आता था। मैंने उनका कहा कि मैं पहले तो आपका वमन कराऊंगा, मैंने उनको घृतपान कराया फिर वमन कराया, तो वो जो घृतपान करने लगी ना थोड़ा सा हाथ उसी बैठा है से वो ठीक हो गई, और बाद में वमन कराया तो सारे दोष निकल गए, और फिर उसके बाद में उनको लाइफ में कभी हुआ ही नहीं, सारा शोधन ही हो गया उनका। लेकिन वो जो घृतपान किया, स्नेहन हुआ, वो अच्छा हुआ। और जो सर ने बताया कि आरोग्य वर्धनी बटी, गंधक रसायन, गिलोय सत्व, ये तो इन्फेक्शन ठीक भी करेगा और दीपन पाचन भी करेगा, और आरोग्य वर्धनी है वो कुष्ठ रोगाधिकार में, गंधक रसायन कुष्ठ रोगाधिकार में, तो हम लोग उस तरह से भी सोचे तो ये सारा जो पैथोलॉजी है, मतलब इन्फेक्टिव पैथोलॉजी, वो भी ठीक हो जाएगा। सर ने बहुत बढ़िया बताया नेहा मैम, सच में आप करिए और हमें भी बताइएगा क्या रिजल्ट। आप सर। बिफोर ट्रीटमेंट और टोटल रिजल्ट। हाँ सर, सर हाँ सर इसमें बोलिए। ना हाँ एक चीज, मॉइस्चराइजिंग फैक्टर के लिए मैं बता रहा हूं, मैं जिस उत्तर प्रदेश के जिस बेल्ट में रहता हूं ना, वहां हाँ भारत का सबसे अच्छा गुलाब पैदा किया जाता है, जी सबसे बेहतरीन गुलाब। तो मेरे पास बहुत बेहतरीन गुलाब जल होता है, रोज वाटर, मेरा अपना डिस्टिलेशन है, मैं उसमें बनाता हूं। अगर इन्हें अच्छा, डाबर का भी अच्छा ही होगा शायद, मॉइस्चराइजिंग फैक्टर के लिए उसमें सम मात्रा में ग्लिसरीन मिला लें रोज वाटर में, ओले लगा के ग्लव्स पहन बांधे,
तो ये काफी अच्छा ट्रैप्ड होता है और मॉइस्चराइजिंग फैक्टर भी बढ़ जाता है, ये भी कर सकते हैं इसमें जी। हाँ, तो मैम ये सब करिए, फिर हमें बिफोर ट्रीटमेंट का फोटो लीजिए, फिर 1 महीने के बाद का फोटो लीजिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, ऐसा कर करके आप पूरा डेटा कलेक्ट करिए और फिर आप हमें बताइएगा मैम। नेहा मैम बहुत अच्छा आपने केस बताया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, और सर ने भी बहुत अच्छा बताया। हाँ, एक डॉक्टर पल्लवी मैम, आप ट्रेन में थी उस टाइम, अभी आप ट्रेन से उतर गई हैं क्या, मुंबई की हाँ डॉक्टर? सर, हाँ सर, हाँ, आप जो सर बता रही थी वो मैडम, आपका बात अधूरा रह गया था, बताइए मैम। हाँ सर, सर नहीं, मुझे वो डायबिटिक का टॉपिक था ना, तो उसके बारे में बताना था, तो अभी बात किया तो चलेगा? अभी भी कर सकते हैं, कल 11 बजे तो हम लोग करने ही वाले हैं, अगर आप अभी करना हाँ चाहते हैं तो अभी करिए, नहीं तो कल करिए, आपकी मर्जी। कल ठीक है, करेंगी तो तो वो थोड़ा सा, सारा रिकॉर्ड में रहेगा, क्योंकि तो उसका एक अच्छे से सिस्टमेटिक प्रोफाइल बनेगा, मतलब वीडियो ठीक है, बनेगा। फिर कल ही करती हूँ। अभी वो मैडम का जो केस है वो सर विपादिका का केस है ना, हाँ हाथ में ये जो हाँ छा ये पड़ रहे हैं, क्या हाँ बोलते उसको, तो उसमें ना सर पित्त और वात का वात दोष दूषित रहता है, क्योंकि जी मैडम ने बोला उसमें खून भी आ रहा है, तो जी वहां पे सर अगर जात्यधिक ग्रोथ इंटरनली देंगे ना सर, तो वो घी का भी काम करेगा, अंदर से घी भी जाएगा और हीलिंग भी जल्दी करेगा, और जी सर ट्रीटमेंट में थोड़ा सा महामंजिष्ठा भी काढ़ा है, या तो सर ने भी बहुत अच्छा बताया, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी भी दे सकते हैं, कैशर गुगुल भी सर इसमें काम करेगा, क्योंकि खून आ रहा है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो पित्त भी दूषित हो गया है इसके कारण, और एक कोकम का ऑयल आता है सर, तो वो भी अच्छा काम करता है इसमें, या तो पंचतिक्त घृत गुगुल भी दे सकते हैं, पंचतिक्त का घृत इंटरनली भी दे सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा काम करेगा, रक्त पाचक भी उसमें अच्छा काम करता है, रस पाचक भी हम सर दे सकते हैं इसमें, जी और व्रणरोपण तेल भी इसमें काम करता है सर, और अगर जलन वगैरह हो रही है तो हम कैलाश जीवन या तो शतधौत घृत भी हम वहां पे लगा सकते हैं सर जी और मैडम एक के ना लिए। विपाजुका हर तेल बताए बागवट में, मेरे को अभी याद नहीं आ हाँ रहा, मैं क्लिनिक में हूँ, मैं उसका फोटो भेज दूंगा, विपाजुका हर तेल ठीक है, उसमें और सर बैक्टीरियल मुझे फार्मूला। और एक हाँ बात पूछनी थी मुझे आपसे, हाँ एक डाउन सिंड्रोम का केस आया है सर, हाँ और 6 साल का बच्चा है छोटा सा, लेकिन हाँ वो वैसे तो मतलब जो टिपिकल केस रहते हैं ना कि बच्चा बोल नहीं पाता, कुछ एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है, वो बच्चा बच्चा पूरा नॉर्मल है, अच्छा हाँ खेलता भी है, कूदता भी है और हाँ बोलता भी अच्छे से, हमने आवाज दिया तो रिप्लाई भी देता है, सब कुछ अच्छा है, खाली प्रॉब्लम इतना है सर कि वो उसको नाक में नेजल नेजल पॉलिप्स हो गए हैं, हाँ और उसका थायराइड भी बढ़ के आया, टीएसएच लेवल जो है वो बढ़ के आया है, और थोड़ा सा हाँ हाइपर एक्टिविटी में मुझे लगा वो, तो थोड़ा सा उतना ही है उसका, बाकी तो सारा अच्छा है, तो उसमें सर जी मैंने उन्होंने बोला कि नेजल पॉलिप्स है तो उसको सांस लेने को तकलीफ हो रही है, तो सोता है तो पूरा मुंह खोल के सोता है, तो ठंडी हवा अंदर जाने से लंग्स में कफ भी हो गया है, तो हाँ उसमें मैंने सर अणु तेल दिया था, पहले तो स्टार्टिंग में मैंने बोला आप दो दो ड्रॉप डालिएगा और फिर बढ़ाइएगा चार चार ड्रॉप, और मैंने उसको सीतोपलादी का चाटन भी दिया था, और थोड़ा हाँ सा मुझे हाइपर एक्टिव लगा इसलिए मैंने कल्याण घृत दिया इंटरनली खाने के लिए, उनको बोला कि आप जो भी खाना, लिक्विड ही खाता है वो, अभी तक सॉलिड फूड नहीं खा रहा है, तो किसी में भी डाल के आप वो उसको अंदर खाने को दीजिएगा ऐसे बोला, और कुमार कल्याणक रस उसको मैंने चालू किया है सर, लेकिन यहाँ पे और क्या विचार करना चाहिए सर, और अभी आपने नेजल पॉली पे नासार उसकी क्या चिकित्सा हाँ किया? उसके लिए सर मैंने अभी तो मैंने खाली अणु तेल ही दिया है, क्योंकि नहीं नहीं मैं बताता हूँ, छोटा बच्चा। मैं बता रहा हूँ, आप ना क्या करिए कि यहाँ पर जितेंद्र मिश्रा जी आते हैं हमेशा फरीदाबाद के, उनके पास एक ऐसे ही पेशेंट रहते हैं सूर्यवंशी जी, जो आर्मी में बहुत बड़े ऑफिसर है, उनको हाँ नेजल मालूम पॉलिप है सर, प्रॉब्लम। वो मैंने केस सुना है सर। हाँ, तो नवसागर को पानी में घोल के
और जितना पानी लगता है उतना ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड उसके ड्रॉप डालिए, चार पांच ड्रॉप डाल देंगे, बच्चे को एक दो ड्रॉप से शुरू करिए, वो डालने से हाँ नेजल फ्लूइड सूख जाएगा। और अर्श की चिकित्सा करिए, कांकाइन बट्टी, अर्श कुठार रस, सुरन बटक, ऐसे कुछ अर्श की चिकित्सा करिए, दीपन पाचन अनुलोमन करने के साथ, ठीक है, वो हाँ दीजिए। और डाउन सिंड्रोम पे मेरे बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, दो तीन वीडियो हैं, वो सुन लीजिए। ठीक है। और बाकी मैं और तो बोलता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ त्रिवेदी सर कुछ बोले इस केस में, अगर सर ने सुना है तो। डॉक्टर त्रिवेदी सर आप बोलेंगे इनके केस में आपका कोई, या कंचन मैम कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं, इनको हेल्प करिए कंचन मैम। या प्रशांत भट्ट जी, डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, हाइपर एक्टिव है, कोई बोलिए प्लीज। जी हाँ, आपने एक डाउन सिंड्रोम का मैम, पेशेंट किया था कंचन मैम, आपको शायद याद होगा, जी मुझे याद है। सर, हाँ जी सर, जी सर। मेरे पास भी एक बच्चा था, 10-12 साल का होगा वो, तो उसे भी मैंने, जैसे मैम यहाँ पे ना उसकी मेध्य दवाई है, उसे ही हमें उसको ठीक करना पड़ता है। तो अभी उसे उसमें आप ना बहुत सारी मेध्य दवाई है, जैसे कि आप ब्राह्मी वटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, शंख पुष्पी है, ब्राह्मी चूर्ण है, मेरे पास जो मेधा वटी होता है वो भी मैं चलाती हूँ। यहाँ पर रजत भस्म, मोती पिष्टी और प्रवाल पिष्टी का बहुत अच्छा रोल होता है, बृहद्वाद चिंतामणि और रसराज और वसंत कुसुमाकर का भी बहुत अच्छा रोल होता है। तो अभी एक जो मेमोरी ग्रिड करके टैबलेट आ रही है, तो उसे भी आप चला सकते हो। मेधा क्वाथ है, सारस्वतारिष्ट है, अश्वगंधारिष्ट है, हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे महाकल्याण घृत आप मैं दे ओरली रही भी हूँ दे मैडम, सकते हो और एप्लीकेशन के लिए भी दे, आप महाकल्याण उसको घृत मैंने तालू पे, इंटरनली दिया जैसे है। कि शीरो पीछू बना के आप उसको लगाने के लिए बताइए, और थोड़ा उसका नस करने के लिए भी बोलिए और पान भी बोलिए उसका करने के लिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बस थोड़ा धीरे धीरे करके आपको ऐसे एकदम से 100% रिजल्ट फर्स्ट मंथ में ही नहीं दिखने वाला, उस पर आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा वो बच्चे पे आपको। कंचन मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, ठीक हाँ, है। और सर यहाँ पे थायराइड को, मतलब इतना छोटा बच्चा है 6 साल का, तो थायराइड के लिए हम कुछ दे सकते हैं या कुछ कर वही हम सकते हैं? देते ना, बच्चा पुनर्नवा, गुरुचि सत्व और जंगली प्याज की भावना, वो हाँ, खाली ठीक कम कर डोज में देगा। देना और है। असल में इम्बैलेंस है, बाकी कुछ नहीं, इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करना है। वो बच्चा पुनर्नवा, गुरुचि सत्व, ये हम देते हैं तो हमको तो फायदा होता है। और सर वो जो नवसागर चूर्ण आपने बोला, तो बच्चे के लिए नवसागर का मात्रा कितना रहेगा पानी में? बहुत कम मात्रा में लेना है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पानी जैसा, अर्क जैसा, उसको मिक्स करके नाक में दो तीन ड्रॉप डालना है, तो हाँ वो पॉलिप है ना, वो धीरे 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 7 दिन में पूरा सूख जाता है, एक ही टाइम नस्य करना है। हाँ, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू वो सर। वैद्य जितेंद्र मिश्रा के जो पेशेंट थे ना, उनका नेजल हाँ पॉलिप इतना बड़ा बड़ा था, पूरा सूख गया, पूरा एकदम ठीक हो गया। हाँ कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था शायद मैम, नहीं है। इस केस में त्रिवेदी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, अगर आप सुन पा रहे हैं तो? नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। और कोई केस, इनके केस में कोई हेल्प करना चाहे तो करिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? देखिए नहीं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हरिहर सर आप अगर सुन पा रहे हैं तो, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया क्या सर? हरिहर सर शायद नहीं सुन पा रहे हैं, हाँ अनम्यूट कर सुनता पा हूँ। रहे हैं। सर आपने जो कल केस पूछा था उनका दवाई शुरू किया आपने? नहीं सर, शुरू नहीं किया, लेकिन अपने संभाषण में वो कल आएंगे 8 बजे, कल या परसों। जी, कल तो नहीं होगा, कल एमडी का क्लास होगा सर। कल नहीं, अभी मैं आज सुबह वो आया था ना, तो मैंने बोला अभी उसको एक विरेचन दिया है और साथ में हिंगवास्टक चूर्ण दिया है। तो उसका पेट साफ हुआ क्या, कुछ बताया उसने? वो कल बताएगा ना, आज सुबह में ही दिया है अश्वकंचू अच्छा, के रस और प्रवाल पंचामृत टेबलेट, दो तीन दे दी उसके साथ। जी, तो उसका फिर कल बताइएगा कि उसका कैसा श्वास का वेग कम हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ ये पूछो पूछो। फिर सर, मैंने उसको बोला है बस्ती का भी, कोई जी तेल की सर, बस्ती, और वो जी श्वास का चिंतामणि रस है, श्वास कुठार रस है,
कनका सब वो सब उसको बाद में दे दूंगा, तो पेट साफ होने के बाद। जी सर, सर कितना मजा आता है अगर हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है तो। जी हाँ सर, थैंक यू सर। और आगे कोई बोलिए, वैशाली में आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कुछ केस बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर महेंद्र जी कुछ बोलिए, प्रणाम प्रीति सर। मैम कुछ बोलना। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, जो दो केस अभी डिस्कस हुए ना आपकी, एक तो विचर चिका का जो केस था, उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं वाद का प्रकोप है और स्नेहांश की कमी है जिसमें, जैसे आपने बताया, तो ऐसे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं। तो यहाँ पे गृहपान का बहुत बड़ा रोल है, मतलब यहाँ पे आप 100 100 ग्राम 50 50 ग्राम घी उसको दीपन पाचन करके आप दें। और यहाँ पे मैं जो मतलब ऐसे केसों में एरंड तेल को लोकल एप्लीकेशन में देता हूँ, मतलब जो आप पे गद्दी फटी है और जहाँ जहाँ पे वो फट रहा है पूरा, वहाँ पे आपको एरंड तेल लगाना आएगा। और यहाँ पे पूरी चिकित्सा वात और रक्त शोधन की जाती है। तो यहाँ पे आप जैसे मैडम, वो मैडम जो भी मैडम थी, उनको वो त्रिफला गुग्गुल यहाँ पे दें खाने के लिए, कैशोर गुग्गुल दें यहाँ पे। यहाँ पे आरोग्य वर्धिनी बटी का बहुत अच्छा रोल है, यहाँ पे आप बंग भस्म में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मंजिष्ठा अच्छा यूज कर सकते हैं, यहाँ पे त्रिफला चूर्ण का अच्छा यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप सूक्ष्म त्रिफला का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे रक्त शोधक के लिए आप कोई भी मतलब सर ने बताया खदीरा रिस्ट हो गया, सारीवासा हो गया, महामंजिष्ठादि क्वाथ हो गया, इस टाइप की दवाइयाँ करीबन 4 महीने देनी पड़ती हैं। और आपको स्नेहन जरूर करना है यहाँ पे, आपको मतलब ओरल इंटेक भी करना है, वस्ती भी ले सकते हो आप, या अपन अपने आपके जहाँ पे भी वो विपाधि का है वहाँ पे आप एरंड तेल लगा सकते हैं। और सर दूसरा जो पेशेंट बच्चे की बात हो रही थी, वहाँ पे नस का बहुत अच्छा रोल रहेगा, यहाँ पे आप चीर वाला तेल का नस या वचा तेल का नस दे सकते हैं, यहाँ पे आप शिरोधारा भी कर सकते हैं, इन दोनों चीज जो शायद छूट गई थी, तो ये भी आप कर सकते हैं। जी सर बहुत बढ़िया बताया सर, प्राउड ऑफ यू सर। आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं और अपना जो भी आपने दिया शेयर किया, बहुत अच्छा सर। थैंक थैंक यू सर। यू सर, थैंक यू। हाँ आप कोई और कुछ बताना चाहते हैं? प्रीति मैम सर 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 नमस्ते, आवाज जी मैम बोलिए आ रही बोलिए। सर? आ जी रही है आवाज? सर, मेरे प्रमेय के सर एक पेशेंट हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड सर बहुत बढ़ा हुआ है, मैं उसमें क्या करूं? मैंने उनको पंचकोल, अच्छा जी, 500 कुछ है सर, और 570 के अराउंड है सर, और उनको सर मैं पंचकोल चूर्ण आरोग्य वर्धिनी एंड लशुना जो सर टैबलेट आती है सर हिमालय वाली, वो सर अभी दे रही हूँ। वस्ती कर सकते हैं क्या सर हम इसमें, कुछ प्रमेय हर वाली वस्ती कोई? जो भी आप देंगी ना, उसमें ऐसा सोचिए कि प्रपग्न और मेदोग्न चिकित्सा करना है, मेद को पचाना है, मेद को सर और एक्चुअली अग्नि को पेशेंट बढ़ाना लीन एंड थिन है, मतलब है। वो वो शायद जो कृष अंदर भी उनकी प्रमेय। अग्नि मंद है मैम, जी होके भी उनकी अग्नि मंद है, मेद की अग्नि मंद है और मेद की संचित हो रही है, आम का बहुत ज्यादा दीपन पाचन सोमन के साथ में आपको रक्त पाचक मेदो पाचक सर, रस पाचक रक्त पाचक कर सकते हैं इनके लिए? हाँ दे सकते हैं। पाचक आपको देना पड़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाता है, तो सर आरोग्यवर्धनी बहुत उसमें ज्यादा नहीं डाल है 500 एंड कुछ सर, इसके लिए कुछ आरोग्यवर्धनी तो सर इमीडिएट दिया फायदा हुआ होगा है। मैम, आप इमीडिएट फायदा होगा आप दीजिए तो ये सब। बाकी पल्लवी मैम आप कोई और बताना चाहे बताइए, कंचन मैम हाँ बताइए। सर, सर एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ। मैडम ने बोला का बोला कि पेशेंट लीन एंड थीन है, मतलब स्लिम है ना पेशेंट? जी, हाँ तो थोड़ा सा आप दीपन पाचक करके उसमें तिक्तक शीर बस्ती भी आप दे सकते हैं, ओके सर। चलेगा ना सर? तिक्तक शीर बस्ती हाँ चलेगा, बहुत अच्छा बताया आपने, पाचक भी सर करेगा और कि दूहन इसका भी करेगा। कितना सर वो रहेगा, कितना लॉन्ग, मतलब कितने टाइम तक? आप 1 महीना तो दीजिए, 1 महीने के बाद चेक कराइए ट्राइग्लिसराइड क्या हो रहा है। रेगुलर 1 महीना सर? हाँ तो इसका अमाउंट खाली कितना उसमें रहेगा? उसमें घी थोड़ा सा कम डालिएगा। जी, इसमें मैम अमाउंट कितना रहेगा देने के लिए? 100 150 तो हम हाँ तो दे देते हैं।
जितना होल्ड सर करेंगे वो उतना अच्छा सर है। इसको खाली पेट में देते हैं या फिर वैसे देते हैं? मतलब ये तो शायद इसको मात्रा अनुवाद वस्ती हो गया ना, मात्रा वस्ती की जैसा हो गया मात्रा वस्ती देना है। ओके ओके सर, जी सर, ठीक है सर, मैं ये करके देखती हूँ। बाकी ऐड करने के लिए रस पाचक और रक्त पाचक ऐड कर। जी हेलो, ओके ओके सर। बोलिए हेलो, आरती मैम। हाँ जी आरती मैम, प्रणाम आपको सर। बहुत बहुत बधाई हो, आपने द्रव्य गुण में एडमिशन लिया। आपका एक ड्रीम था कि मैं एमडी करूंगी और वो आपने पूरा किया। इतना दिन रात मेहनत और लेक्चर सुनना, प्रैक्टिस करना और बच्चों को संभाल के फिर आपने एमडी का क्लियर किया। प्राउड ऑफ यू मैम। सर, ये आपका ही और नवीन सर का ही सर मोटिवेशन है सर। ये इस प्लेटफॉर्म से ही सर सब कुछ मिला है सर, आप सबका बहुत आभार है सर। ये जो मैम केस अभी बता रहे थे ट्राइग्लिसराइड, सर मेरे पास एक आया था जिसमें वैल्यू ही नहीं आई थी, मतलब इतना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड था सर। तो इसमें हम पंचतिक्त घृत बिल्कुल जो तिक्त जो वो उन्होंने बस्ती बताई वो तो कर ही सकते हैं हम। जितने भी तिक्त रस औषधियां हैं सर उनका क्वाथ भी दे सकते हैं या पंचतिक्त घृत गुग्गुल दे सकते हैं। और इसमें त्रिफला गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, और इसके लिए स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के लिए सर वमन बहुत अच्छा रहता है। एक पेशेंट का था तो सर इसमें जैसे अगर मैम वमन करा सकते हैं क्लासिकल वमन सर, और उसमें भी सर पेशेंट के प्रकृति के अनुसार महातिक्त पंचतिक्त या जो भी सर वो घृत सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सर वो उसमें क्लासिकल वमन जो सर रहता है उससे मतलब तुरंत पेशेंट को लाभ मिलेगा। और सर एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें मैम जो लिवर पे एक्शन करती हैं सारी चीजें और हार्ट पे एक्शन करती हैं, जैसे इसमें आप अर्जुन अर्जुन छाल चूर्ण, नागर मोथा, यष्टि मधु और गिलोय मैम इनका मिक्सचर बनाकर मैम आप पेशेंट को अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो सहस्त्रकुटी अभ्रक के साथ मैम ये आप उनको दे सकते हैं, तो मैम इसमें भी उनको लाभ मिलेगा। और साथ मैम आप पुनर्नवा अरिष्ट या कुछ भी मैम लिवर टॉनिक जो कालमिक अस्सक या पुनर्नवा अरिष्ट इसमें से कुछ भी मैम आप चालू कर सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और वमन का तो इसमें बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है, जितने भी ये इसमें हाइपर ये रहता है कोलेस्ट्रॉल। वैशाली मैम, आपका बहुत जी अच्छा लगा। जी जी मैम, ये डायबिटीज के पेशेंट हैं, क्रश प्रमेह ही है मैम ये अच्छा, इसी इनको। इन्हीं पेशेंट्स का है तो यस यस सेम पेशेंट मैम। ठीक है मैम, जो वो तिक्त शीर बस्ती बताया मैम फिर वो तो उसमें काम करेगा ही, क्योंकि इसमें तिक्त रस जो प्रधान रहता है वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। एक वो फैक्टर रहता है ना जिसमें ये कोलेस्ट्रोल शुगर और तीसरा एक और चीज रहता है उसको तो कुछ बोलते हैं, नाम भी ध्यान आ रहा है मैम, वो तीनों चीज रेज रहती है। तो इसमें मैम ये तिक्त रस प्रधान औषधि सबसे अच्छा काम करेगी। जी और ये जो कॉम्बिनेशन मैम, आपको बताया ये क्लेश को भी कम करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है ना। बेसिक जो आपको ट्रीटमेंट करना है वो इसका तो आपने मैम करना इस है कॉम्बिनेशन का मात्रा वगैरह बता सकते हैं क्या, जैसे मैम, वो या फिर आप पेशेंट के ग्रुप में अनुसार, डाल। आप पेशेंट के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे नागर मोथा है मतलब ये हर्ब्स का जो जो एक्शन है वो एज अ वैद्य आप जानते हैं, तो उसके जी अकॉर्डिंग आप इसकी मात्रा कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आप अगर पेशेंट लीन है तो इसमें आप गिलोय सत्व, शुक्ति पिष्टि, ये अपना प्रवाल पिष्टि, मुक्ता, ये सब ऐड कर सकते हैं इसे। ओके मैम ठीक है मेरे मैम। पास भी एक ऐसा पेशेंट था जिसका डायबिटिक लेवल भी ज्यादा था और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उसका बहुत ज्यादा था, 350 उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड था तो सॉरी। तो मैम एक्चुअली क्या था कि उसको मैंने कुछ नहीं, उसको मैंने अधिपन पाचन दिया था, वो ना वो वीकली वीकली सर एक चीज हो रहा है, वीकली वीक मैम उसका क्या आवाज चली गई बोलते मैम, आवाज चली गई थी एकदम, फिर से बोलिए मैम। हेलो मैम, वीकली वीकली ना वीकली वीकली जैसे आप थोड़ा आगे आके बात करिए माइक के पास। सर अभी आ रही है क्या आवाज? अभी जी हाँ, जी फिर से जी बताइए। जी हाँ मैम, क्या करना है कि जैसे उसको एक त्रिकटू दिया था मैंने, रोगेवर्धिनी वटी दी थी, पलत्रिकादि क्वाथ दिया था, और मैंने क्या किया था मैम, एक ना वीकली एक उसकी हिमालय की टैबलेट आती है अबाना, यस मैम, वो मैंने चलाया हुआ है पहले। हाँ जी। और मैम एक साथ और क्या करना है कि उसको एवरी जैसे सैटरडे क्या करना है उसको विरेचन दे दो मैम, जैसे त्रिवेद लेहम दे दो, नहीं तो कैस्ट्रोल ऑयल दे दो, सुबह से लेके शाम तक उसको बोलो कि खिचड़ी पे रहे, पतली पतली खिचड़ी, जैसे दो जैसे जी इसमें अगर 2 चम्मच चावल डाल रहे हो 4 चम्मच उसमें मूंग दाल डलवा दो, और जो 14 या 16 गुना उसमें पानी डलवा के वैसी वाली खिचड़ी बनवा के उसको, तो उसको बोलना कि सारा दिन इसी के ऊपर ही रहे।
और शाम को जी उसको मैम ऐसे मैंने किया था कि मैंने 5 ml कैस्ट्रोल से शुरू किया था। फर्स्ट वीक मैंने 5 ml बोला था, सेकेंड वीक मैंने उसको जी 10 ml बोल दिया था, फिर देन तीसरे वीक अब मैंने उसको बोला 15 ले लो, और चौथे वीक मैंने बोल दिया 20 ml ले लो। पेशेंट का मैम फर्क देखो, क्लासिकल क्लासिकल विरेचन नहीं करना है ये मैम, सद्य टाइप का नहीं करना है है मैम, ये क्लासिकल विरेचन नहीं जी है। जी तो जी ये एक ही साथ का जैसे सद्योपमन होता है और सद्यो विरेचन करवा दो, जी तो इससे क्या है कि एक तो चैनल जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी, स्रोतोवरोध जो है उसका वो निकल जाएगा, उसका जो मैम अग्निदीपन भी हो जाएगा, तो जी आपका मैम डिटॉक्स भी हो जाएगा। और ट्राइग्लिसराइड मैम उसके 154 है, और वो पेशेंट वो 5 to 6 years से अवास्टेन ले रहा था, सॉरी रोजोवास एफ ले रहा था। जी तो जी मैम सब छुड़वा के अभी ठीक है, काफी ठीक है पेशेंट मैम, और डायबिटिक ओके लेवल मैम, 6% से 5.7 हो गया। ये जैसे 5 ml अगर एरंडेल आज रात में देते हैं तो कल उसको पूरे दिन खिचड़ी में ही रखना है। कल भी, और मैम जैसे सैटरडे को दिया तो सैटरडे भी खिचड़ी पे रखना है और संडे भी खिचड़ी पे ही रखना ओके मैम, खिचड़ी में कुछ वैसे मिलाकर के देना है क्या, है। नहीं 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 वो मैम, सिर्फ पतली 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 खिचड़ी वैसे जैसे बनाई है। मतलब वो सैटरडे वाले दिन वो लेगा और संडे वाले दिन जो है पूरा यही मतलब यही यही मोशन फॉलो उसको करेगा। होंगे और उसका खिचड़ी। हाँ जी जी मैम। और ओके, पानी पानी और की जगह पे बाकी वो मैंने उसको बोल दिया था कि अगर पानी लेना पानी पियो, नारियल का पानी पीना नारियल का पानी ले लो। इवन मैंने इलेक्ट्रोल भी दिया था उनको कि अगर लगे कि वीकनेस हो रही है तो आप बोल लो कि आप ORS वगैरह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और साथ में मैम अबाना एंड ये चलाया था, अबाना तो अबाना मैम इनको का तो चला चुकी हूँ मैं काफी दिन, उन्होंने लिया अबाना मैम और एक्चुअली अबाना अकेले का मैम आता नहीं है रिजल्ट, इसके साथ त्रिकटू और रोगे वर्धिनी वटी और फलत्रिका आदि, मतलब मेरा लिवर पे मैम फिर का। पंचकोल, मैम पंचकोल एंड अबाना एंड लशुना अच्छा ओके, ये चलाया मैम, हिमालय का ही लशुना भी आता है ना मैम वो, तो काफी काफी क्लोज पेशेंट मैम मैम, अबाना से रिजल्ट्स भोजन अच्छे करना आ जाते जरूरी है हैं ना। हेलो जी, विरेचन नहीं करते मैम फिर मैम, वो। हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि मैंने दो तीन अच्छा पेशेंट। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैम ने विरेचन का बताया सर, ठीक है विरेचन एंड तिक्तक क्षीरवस्ती हम ये एक साथ चालू रख सकते हैं क्या, जैसे विरेचन तो हमको वीक में एक बार आप करना है, विरेचन देंगी तो उस दिन तो आप बस्ती नहीं ले सकती ना, नहीं उस दिन नहीं आपको मैं सर, लेकिन जैसे मंडे से आप जो अग्नि फ्राइडे द्रव्य का टाइम है डिसाइड करिए, भूख लग जी। जाएगी नहीं, बस्ती द्रव्य को अच्छा उससे भी अग्निमन नहीं होना चाहिए ना। विरेचन अच्छा के बाद अच्छा 1-2 दिन या 5 दिन 7 दिन ब्रेक करना पड़ेगा आपको, तो अग्नि बढ़ने के बाद। ओके 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 अच्छा श्रीनिवास का कुछ बोलना चाहते हैं, डॉक्टर श्रीनिवास सर बोलिए सर बोलिए, उनका आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर बोलिए सर, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए तो आरोग्यवर्धन वटी, कुमारी आसवा और नवक गुग्गुलू 3 महीना करे तो 500 रहे तभी नॉर्मल आ जाते सर। सर, बहुत बढ़िया बताया सर। इसमें मेद का और कफग्न, मेदोग्न और कफग्न चिकित्सा श्रीनिवास सर ने सच चलो में बताया। सर क्या है जी सर, अब कंचन मैम आप कुछ बताइए, पतंजलि का क्या दवाई देने से होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाए तो। प्रणाम सर। इसमें ना लिपिडोम भी बहुत अच्छा काम करता है, आरोग्य वर्धिनी तो मैं देती हूँ और त्रिकटू भी मैं देती हूँ। और यहाँ पे ना जैसे लास्ट टाइम भी अपने शिव हरे सर है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ बराबर ही बोला शायद, श्रीकांत तो ना सर त्रिवेदी सर, नहीं, अपने वो श्रीनिवास MBBS सर, वाले आदित्य अच्छा आदित्य सर, शिव हरे सर, सॉरी। तो आदित्य सर ने भी बोला था कि जैसे कि हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है, हम जो भी फैट खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में हो रहा है, तो हमें लीवर को भी ट्रीट करना है। तो यहाँ पे मैं लिवामृत लिवोग्रेट आरोग्यवर्धिनी तो कर ही रही है हमारी यहाँ पे काम, तो ये भी ऐड कर देती हूँ आजकल। और मैं अर्जुन काढ़े के साथ दालचीनी ऐड कराती हूँ, और ये इनका एक जो पेटेंट मेडिसिन आया लिपिडोम, ये भी बहुत अच्छा काम करता है सर। और आप तो हमेशा बताते ही हो कि रक्तम में मेद का विमार्ग गमन, ऐसे सोच के उसको ट्रीट करना है, तो हमें यहाँ पे रक्त पाचक भी हम ऐड कर सकते हैं और मेदोपाचक भी ऐड कर सकते हैं। और डाइट मॉडिफिकेशन है हमारा हमेशा वाला, जो दिनचर्या ठीक करा दो, और जो संशोधन वगैरह भी आप लोगों ने बताया वो भी हम कर सकते हैं। जी सर,
कंचन मैम, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने अभी फिर से जी पतंजलि ज्वाइन किया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, अभी तो सर मैं आज कॉलेज जाके आई, काम था थोड़ा सा। मुझे अच्छा लग रहा है सर, पर वहां पे वही प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, 7 घंटे का मैं बोल रही हूँ वो 8.5 घंटे के लिए आड़े पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी पर आप दो बोले तीन दिन में क्वालिटी चाहिए ना, स्मार्ट वर्क चाहिए ना, बोले मैं हाँ, करके दे आपके पेशेंट ठीक करके दे रही हूँ। तो उनको वो 8.5 घंटे चाहिए और मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी फिर 8.5 घंटे, ऐसे हो रहा है इसलिए मैंने फिर वो क्विट किया था। और थोड़ा सा तो मम्मी का भी प्रॉब्लम था इसलिए मैंने वो वहां पे उनको बोल दिया था, क्योंकि फिर उनका खाने का प्रॉब्लम हो रहा था मम्मी का, तो मैंने और अभी भी वही आप उनको ये बोला। भी बोल देना कि मैं एमडी कर रही हूँ, तो मुझे तो पढ़ाई भी करना है, अभी मेरा एग्जाम आने वाला है, मुझे सब जी कुछ सर, देखना। क्योंकि वहां से मैं 7:30 8 बजे छूटूंगी तो मैं घर पे आऊंगी कब, खाना बनाऊंगी कब, खाऊंगी कब, ऐसे हो जाएगा सब। और संडे को छुट्टी है ना कि रोज है? नहीं, संडे ऑफ, एक दिन वीकली ऑफ ले सकते हैं। अभी मैंने ज्वाइन तो करके रखा है, पर देखते हैं अभी मंडे को क्या डिसीजन होता है उनका फाइनल। ठीक है ठीक है। तो पेशेंट तो आपके वो पहले जो आप उसके पहले जो करती थी वहां तो बहुत था लोग। हाँ सर, बहुत था, मतलब वहां का एरिया ही वैसे था और मैं काफी सालों से बैठ रही थी ना वहां पे, मतलब एक तो कंटिन्यूएशन हो जाता है ना पेशेंट को कि मैं मिलने ही वाली है यहाँ पे, तो वैसे हाँ पेशेंट है तो इसलिए वो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। यहाँ पे अभी बहुत अच्छा हो गया था एक्चुअली, क्योंकि 1 साल हो रहा था ना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी अच्छा हो गया था एक्चुअली। उनका सेल बिल्कुल आधा हो गया था इसलिए मैं, मुझे कॉल कर रहे थे, पर और उधर आपका सबसे अच्छा गुड क्वालिटी है कि आप सब डेटा कलेक्ट करके रखती है, तो जी सर ये आपको बहुत काम आएगा। अभी एमडी में जो आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देना है, सेमिनार्स में जाना है, तो आप ये सारा डेटा बता सकती है ना, इस व्याधि में मैंने ये दवाई दिया, ये दवाई दिया, कितना फायदा हुआ, वो डेटा कलेक्शन आपका बहुत अच्छा है मैम। ठीक जी सर, थैंक यू सर। है मैम, बस ऐसा काम मत करेगा कि आप एग्जर्ट हो जाए, थक जाए और फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाए, क्योंकि दोनों नहीं सर, चीज। पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि आपने जो एक रास्ता दिया है वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि जो सालों से जो अंदर था कि नहीं मुझे संहिता ठीक से पढ़नी है, तो वही करना है सर अभी, थोड़ा सा मतलब सब चीज को करके पढ़ना है अच्छे से। और मैंने शायद आरती मैम को विश ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था कि उनका भी एडमिशन हुआ आरती है। मैम का है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में कौन से कॉलेज में हुए मैम? मैम बताना चाहती है कि नहीं? पता नहीं, लेकिन द्रव्यगुण में हो गया मैम का। और वो सब उस सबको प्रेरणा नहीं, मिली कि कंचन मैम कर सकती है तो हम भी करेंगे। अब वो आपका ही बहुत मतलब। अच्छा। और हम लास्ट टाइम ही हमने डिसाइड किया था ना कि हम जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे थे तो वो उन लोगों को भी बोले करके, एग्जाम दे करके। और बिल्कुल जैसे सर आपने बिल्कुल जितने लोगों को बोला है वो सभी पास आउट हुए हैं, मतलब क्वालिफाई किए ही है हाँ सब, मतलब हाँ ऐसा और एक भी सबसे नहीं था। ज्यादा तो शशि मैम ने कर लिया, वो तो कितना अच्छा है, वो भी हाँ संहिता सब्जेक्ट बहुत में शशि मैम। बहुत, और सर शहीदा ही ले रहे हैं सब, सबसे बढ़िया बात है। हाँ शशि मैम का तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतनी इंटेलिजेंट है और इतनी अच्छी है, पोलाइट है, सच में शशि मैम का तो बहुत ही मानना और पड़ेगा। सर उनको रीडिंग भी बहुत अच्छा है और वो मतलब उनको ध्यान में भी रहता है सब पढ़ा हुआ, बहुत अच्छा है। हाँ जी, जी सर, देखिए हम तो अच्छा सोचते हैं, अच्छे काम में लगे हैं, सबका भला होता जाएगा, पेशेंट भी ठीक होंगे, पढ़ाई भी होगी, सबका अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो करिए। वीना मैम, विनीता मैम, अभी अगले बार विनीता मैम का भी होना चाहिए। मैम आप अगर कोशिश करेंगी तो आपका द्रव्यगुण अच्छा है, आप कोशिश करिए, हो जाएगा। जी सर ट्राई करूंगी सर। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम तो करेंगे, आपको बस एग्जाम दे के आना है, बाकी हम अगर मेरे को चलता तो मैं विनीता मैम बन के जाता और एग्जाम दे देता और लास्ट पहुंच जाता। टाइम मैं बोला था सर विनी मैम, फिर तो आपने मैं मैम टॉप कर जाती आपने तो लास्ट टाइम ही बोला था इस बार एग्जाम दूंगी, आप क्यों नहीं दिया मैम, अगले सर। साल फिर मैम से टाइम दे। कम था, बिना प्रिपरेशन के मुझे लगा कि कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, तो फिर इसलिए नहीं आपका दी। तो द्रव्यगुण बहुत अच्छा है मैम, लास्ट टाइम हमारे साथ तो पढ़ रहे थे आप। थैंक यू मैम, इस बार सोचा है देने का, फिर देखिए कोई। पक्का हम अभी नेक्स्ट ईयर आपका भी नाम सुनेंगे कि आपने भी एडमिशन लिया द्रव्यगुण में। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक केशव जी ने हैंड रेज किया है,
डॉक्टर केशव जी बोलिए सर। सर हाँ बोलिए मैम, विनीता मैम। सर एक केस है, एक 50-55 ईयर का मेल है, तो उनके प्रॉब्लम ये है कि उनके पेट में ना जो मतलब लोअर एब्डोमिन में नाभि से नीचे पेन होता है कभी यहाँ कभी वहाँ। तो उनकी मैंने हिस्ट्री ली, खाने पीने में वैसे तो फिजिकल एक्टिविटी तो है, वो वॉकिंग वगैरह करते हैं, और रिसेंटली उन्होंने स्मूदी शुरू किया था तो वो मैंने मना किया है। और उनका जो हिस्ट्री में है, उनकी मदर को पहले पेट में ट्यूमर हुआ था, और उनकी मदर को भी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी, और फिर वो ट्यूमर रिमूव हुआ तो मदर अब ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि मतलब उनको है तो मुझे भी कहीं ना हो जाए। साथ ही वो 2-3 साल से डॉक्टर त्रिफला चूर्ण कॉन्टिन्यूस ले रहे थे, स्ट्रेस उनका मतलब सिटिंग जॉब है, स्ट्रेस बहुत लेते हैं वो इसी चीज़ को लेके काम, मतलब मेनली उनको स्ट्रेस रहता है। तो सर वो त्रिफला चूर्ण भी मैंने बंद करवाया क्योंकि रुक्षता बहुत हो गई है बॉडी में, तो घृत सेवन के लिए उनको बोला है, दीपन पाचन अनुलोमन दिया और है। उसको बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती और मेध्य दवाइयां दीजिए, जो कि शंका विषय है, मन जी में सर, है, डाउट है कि मुझे भी होगा, मुझे भी होगा। सर अभी तो मात्रा बस्ती के लिए बोला है, देखिए पेशेंट तैयार हो तो, क्योंकि स्नेहन मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और घी से उतना हो नहीं पाएगा, घी भी उतना लेते नहीं है। उनको नस्य दीजिए, ये शीर बला का या ब्राह्मी तेल या बचा तेल, ज्योतिषमती तेल, उनका दिमाग को आप काउंसलिंग करिए कि अगर उनको था तो आपको क्या होगा, ट्यूमर ऐसे कैसे है। जी सर, सर इनके वही केस में, हाँ आपके केस में और लोगों को बुलाता हूँ ना बात करने को। इनके केस में कोई बोलिए प्लीज, किसी को हेल्प करना तो करिए। हाँ सर, मेरे को पूछना था। आप पहले इनके केस में बताइए, पहले विनीता मैम को, पेट में दर्द होता है और वो डर के मारे त्रिपला लेते हैं, क्या करना चाहिए। सर पेट में यदि दर्द होता है तो मतलब कि ये तो मतलब कि मेरे ख्याल से वायु की विकृति होगी, और वायु और कफ की, तो वायु और आम भी, आम का भी पाचन करना पड़ेगा। जी सर, तो इसमें सर मतलब कि एक तो स्नेहन करेंगे, स्नेहन मतलब आभ्यंतर स्नेहन, और मतलब साथ में मतलब कि आम पाचन, और आम पाचन देंगे, स्निग्ध विरेचन दे सकते हैं सर इसमें, स्निग्ध मिर्वे मतलब कि इसमें हिंगवास्टक चूर्ण आप लोग दे सकते हैं, और उसमें घी मिला के, और साथ में ये सुकुमार घृत है, इससे हम विरेचन कर सकते हैं, तो इससे हो जाना चाहिए सर। केतन जी, आप क्या बताना चाहते थे? सर मेरे को ये पूछना था कि एक पेशेंट आया था, तो उसको उन्माद है मतलब, और वो उन्माद है मतलब कि उसने वो तरह तरह के व्यसन करे, भांग खाए, धतूरा खाए, और उसने कई तरीके के व्यसन करे हैं, तो वो 2 साल से उसको उन्माद हो गया है, तो उसकी चिकित्सा उन्माद पूछ हो गया रहे तो क्या हो गया? स्किज़ोफ्रेनिया का है क्या है, मतलब थे। उसको सर क्या हो वो सकता है? मेरे को वो कफज उन्माद के लक्षण लग रहे थे, मतलब पहले तो वो थोड़ा डिस्टर्ब था और कुछ कुछ बोलता था, तो उसके बाद उनको दिखाया पतंजलि में, तो मेध्य रसायन उनको दिए थे, मेधावटी है और इस प्रकार की चीजें, सारस्वत अरिष्ट, और तो वो उसके बाद अभी मेरे पास आया, तो उसको कफज उन्माद के मतलब की बैठा रहना, धीरे धीरे बोलना, ये सारी चीजें उसको दिख रही थी, आंखें थोड़ी लाल जरूर थी, बाकी कफज उन्माद के लक्षण थे उसमें अभी। तो आप पहले बमन करा सकते हैं, तो बमन कराइए, फिर उसके जी बाद में सर, आप शिरो विरेचन के लिए तीक्ष्ण उनको नस्य दीजिए। तो जी अपामार तंडुल अध्याय में बोला है, सरसो अपामार का तंडुल, जी सर, अच्छा जी बहुत सर, स्ट्रॉन्ग विरेचन दीजिए, और उसके बाद जी में विरेचन कराइए, उसके बाद में आप उनको उन्माद केसरी रस, पंचामृत लौंग, मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, जी स्मृति सर, सागर रस, जी जी सर, महापंचगव्य घृत, या महापंचगव्य ज्यादा अच्छा काम करेगा, या जी सर, हिंगवादी घृत, ऐसे जी घृत सर, दीजिए, और सर तेल बीच बीच में देते रहिए तो हो जाएगा न सर। सर मतलब कि जो विष विष है मतलब कि जो जो भांग धतूरा वगैरह खाए हैं, तो उसके लिए कुछ दवाई देना है ताकि उसके लिए शरीर। आप अगर तंत्र का किताब निकालिए, हर विष का जो एंटीडोट दिया हुआ है वो जी सर, जी सर, जी ले जी सकते हैं, उसे उसमें उन्होंने सर तत्संगता ये नौ सादर की गोलियां भी खाई है, मतलब तो काफी इनने, 22 उसमें साल का अगर लड़का पत्र है। में जो जो चीज लिखा है नवसागर, तो उसका एंटीडोट, हर चीज का एंटीडोट देके और फिर करने में एक जी सर, जी सर, शोधन जो है ना, वमन और विरेचन, वो तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। जी सर, सर वमन में स्नेहपान किसे करेंगे, नहीं पर आप पंचगव्य, महादीप से कराइए, नॉर्मल चीज से कराइए। जी सर, जी सर,
और सर वमन कल्प जो सामान्य चलता है उसे वही वमन कल्प रहेगा। मधुक्वात, और क्योंकि वो उन्माद का पेशेंट है ना, कड़वा लेगा नहीं, तो जी जिसकी सर मधुक्वात देखे मदन फल का चाटन करा दीजिए, अपने जी सर मुंह जी से सर आएगा। जी सर जी जी और सर स्नेहपान उसमें भी वही रहेगा विरेचन के समय। हाँ, अगर वो कड़वा घी नहीं खा पाता है क्योंकि उन्माद का पेशेंट है, तो नॉर्मल घी खिला के भी करा सकते हैं खाने जी में, सर जी सर चल चल उसको देखे। जी सर जी सर सर अभी उनको ठीक है, वो मैंने अभी फिर अभी कुछ अभी बोलना अभी है तो बोलिए। सर अभी तो ये मतलब काफी ठंड चल रही है तो इनके मैंने केस वो में प्लीज हेल्प करिए, सर अभी तो ठंड चल रही है तो मैंने कुछ दिया कोई नहीं है। हेल्प करिए। त्रिवेदी सर कृपया हेल्प करिए सर। जी सर बाकी सब तो इन्होंने देख लिया और सर आपने बहुत अच्छा बता दिया। सॉरी मेरा नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा सर आज। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है जी सर हेलो आवाज आ रही है सर? जी सर जी जी आ रही है। सर इसमें ना मेरे अंदाज से आप 3 चकार कर लीजिए उन्माद वाले अच्छा में। वैसे जी सर सर ने बहुत अच्छा बताया है, जी सर महाक्षेत्रग्रस्त, जी सर दूसरा चंद्रावलेय और जी जी तीसरा जी चंडासव, ये अच्छा जी सर 3 चीजें हैं। अगर ये आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर जी नहीं मिलती तो अगले सेशन में आप बना सकते हो। तो मैं महाक्षेत्रग्रस्त बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जी सर जी या तो महापंचकव्य लीजिए, सर ने बिल्कुल अच्छा बनाया बताया। जी जी सर जी जी इसका महाक्षेत्रग्रस्त का और भी अच्छा रोल है। ये जो जो आप बता रहे हैं ना, नशा करने के बाद जो थोड़ा जी सा सर इम्बेलेंस हो जाते हैं और जो लोग आते हैं उनमें, इसका जी काफी अच्छा रोल रहा है महाक्षेत्रग्रस्त का। और जी सर चंद्रावलेय का, चंद्रावलेय में शतावरी, बिदारिकन, पेठा और शंखाहुली, सिर्फ 4 चीजें हैं जी सर और जी इतना शामक असर आता है, मतलब स्वर सिंचार का है। बाकी तो फिर जी उसमें जितने भी और चीजें हैं वो ऊपर से प्रक्षेप के रूप में डालने के लिए है, लेकिन स्वर सिंचार का और इतना शामक असर होता है इसका। चंद्रावली अगर आप कहीं मिल जाए तो ये उन्माद, अपास्मार, या जिन्हें बहुत उत्तेजना रहती है या जो बहुत सारा नशा करते हैं उसकी वजह से उन्हें बड़ी उत्तेजना या उन्माद है, उन सारे लोगों के लिए इसका बड़ा शामक असर है। तो चंद्रावले और चंडासक, चंडासक जी भी सर शंखाहुली से ही बनता है। शंखाहुली यानी शंखपुष्पी, अच्छा जी सर वो उसका मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद फिर सब है उसमें, जटामांसी है, तगर है, ब्राह्मी है, तालीस पत्र है, सभी कुछ है उसमें। तो अगर आपको चंडासम मिल सकता हो, चंद्रावले मिल सकता हो, और चेतसग्रत जी ना मिले, महाचेतसग्रत ना मिले, तो महापंचक भी ले सकते हैं। जी सर इसकी जी सर कैसे नस देनी है वो तो सब हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे रखना है। इंग्रेडिएंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सभी जानते हैं कैसे जी करना है, सर और सर आपको बता ही रहे हैं बहुत अच्छा। जी सर जी बेटा आप दी गोली दे ना, टेल मैं एक्चुअली आई आप दी दी आप दी गोली जी जी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। केशव जी आपका केस बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ गया जी सुन थैंक यू सर। सर मेरे को तो सर मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है सर, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपसे बात कर रहा हूँ मैं। आपके सर, के। आपके सर काफी वीडियो देखे हैं मैंने, थैंक और यू सर। मतलब कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ये आरिश फाइल्स का आया था तो आपके हिसाब से ट्रीटमेंट किया तो वो उसको एक दिन में ही आराम लग गया, और वाह, उसी ने ये फिर ये उन्माद वाला पेशेंट भेजा। बहुत बढ़िया। पेशेंट जब पेशेंट को रेफर करते हैं तो कितना मजा आता है। सर जी सर जी सर आप सर ऐसी कहाँ है प्रैक्टिस कर रहे हैं केशव जी, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर मैं भोपाल में हूँ, भोपाल शहर में। भोपाल में तो आपका प्रैक्टिस इतना बढ़ जाएगा ना, इतना बढ़ जाएगा, आपके पास बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज लेके आएंगे लोग कि जी आपको थैंक इनसे यू इलाज सर कराना है। जी सर जी जी सर सर ठीक है, थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा। यू और कोई केस बताना चाहते हैं तो बोलिए, अनम्यूट जी करके बोलिए कोई केस। ऐसे शर्माइए मत, बोलिए आप लोग कोई केस सर। डिस्कस करना चाहते हैं। कोई नहीं बोलना चाहते हैं, सबका मन शांत है अभी। कोई तो बोलिए, प्रीति मैम कोई केस है तो बोलिए, परवीन कश्यप जी, मनीषा मैम केस बताइए। मनीषा मैम आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं सच में। हाँ वैशाली मैम आप अनम्यूट करके बोलिए मैम, वैशाली मैम अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? नहीं कर पा रही हैं। जागीर सिंह जी कोई केस है तो बताइए। मैं केस बता दूँ, केस है।
हाँ बताइए मैम। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं शेयर करना चाहूंगी। ये पेशेंट एक्चुअली 68 समथिंग का है, और वो जब मेरे पास आके बैठा तो मुझे उसको देखने के बाद मुझे लग रहा था कि उसके नेक की जो अलाइनमेंट है, मतलब एक साइड से झुका हुआ नहीं था वो, मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरा नेक ऐसे लेफ्ट साइड में पूरा ऐसे हो गया है, मतलब झुका हुआ नहीं था ना, ऐसे जैसे कि बोलेंगे स्पाइन ऐसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर सरकने के बाद कैसे दिखता है ना, वैसे उसका नेक दिख रहा था। तो वो आने के बाद पहले कंप्लेंट करता है कि कान में झनझनाहट हो रही है और थोड़ा सा वॉगिडनेस होता है इधर उधर देखने के बाद, बोले मेरा कान चेक करो, मेरे कान में प्रॉब्लम है। तो मैंने पूरी हिस्ट्री लेना स्टार्ट किया, तो मुझे लग रहा था कि वो स्पाइन थोड़ा डिजनरेटिव है तो उसकी वजह से चक्कर होगा, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर सर जैसे जैसे आपने इतना अच्छे से सिखा रख के रखा है ना, हेतु कैसे निकालने हैं, तो मैं इतना मतलब मैंने आधा से पौन घंटा वो पूरे हेतु निकाले, तो पूरा मतलब पहले तो मैंने जैसे जैसे पूछा वगैरह सब, इसमें तो उनका आउटसाइड फूड रहा है काफी, उनका छिलका ये रहा है, ग्रहणी निकली वातज ग्रहणी, और उनको फिर बाद में भी पूछा तो फिर लास्ट में उन्होंने बोला मुझे वर्म्स की भी शिकायत रही है, और फिर बाद में जैसे उनको एक एक प्रॉब्लम दिख ही रहे, जैसे उनको कुछ एंजियोप्लास्टी हो चुका था 4-5 महीने पहले, और उसके पहले भी उनका सर्जरी होके रखा था, उनको पाइल्स भी था, और फिर में जाते जाते फिर भी मैंने पूछा कि कोई स्ट्रेस था क्या, तो उनकी बेटी का डेथ हुआ था 8 साल पहले, तो उसका भी एक स्ट्रेस रहा है, क्योंकि नेक का ऐसा यूज नहीं था बहुत ज्यादा कि वो मतलब लैपटॉप का पे काम कर रहे या फिर सिटिंग जॉब है, ऐसे कुछ नहीं था, फिर भी मुझे लग रहा था ये इतना टेढ़ा कैसे हुआ है। तो उनका भी सिटी ब्रेन का रिपोर्ट था, उसमें एट्रोपिक चेंजेस आ रहे थे, उनको एक इन्फार्क्ट होके गया था ब्रेन में, मतलब इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी उनको, पर पूरा मतलब जैसे आपने सिखाया कि मानस दोष सबसे पहले उनको मानस दोष से ही स्टार्ट हुआ है, उनको बहुत ज्यादा थिंकिंग की आदत रही हुई है बचपन से ही, मतलब और प्रकृति भी उनकी वात और कफश थी, और खाना पीना भी उसी तेल से था, वात वायु वाल वायु वात वृद्धि कर और कफ वृद्धि कर आहार था उनका पूरा। और पूरे जैसे मैंने देखा कि आप जैसे संप्राप्ति बनाते हो, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी पेशेंट की संप्राप्ति वैसे ही बनाऊँ, ताकि मुझे अच्छे से उसमें मेडिसिन डिजाइन करने में आसानी हो जाए। तो मैंने एक एक टिप पूरा निकाला, तो जैसे उनका मज्जा वह दूषित था, और मुझे लग रहा था कि जैसे वहां पे उनका जो इन्फार्क्ट हुआ वो भी वो एक ही था, मतलब कि वायु और पित्त दूषित हुआ है, फिर वो वहां पे क्लॉट हुआ है, फिर जैसे ये ऊर्ध्व चतुर्गत जो भी था, तो इसके वजह से वायु का जो इम्बैलेंस हुआ है, तो वो नेक में भी उनका उसका ही इफेक्ट था, और कान में भी शायद हमने जैसे पड़ा हुआ है, और आप भी बताते रहते हो कि कान भी एक वायु का स्थान है, तो वहां पर भी उनको अभी तकलीफ स्टार्ट हो गई। तो मतलब इतनी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम हम जैसे देखते हैं कि वायु के बहुत सारी बीमारियां, हम ज्यादा से ज्यादा वायु की बीमारियां देखते हैं, मतलब 80 जो हमारे वायु की ही बीमारियां बताई गई है, तो वो वहां पर मुझे लग रहा था कि पूरा वायु इतना इम्बैलेंस कर रहा है उन्हें, मतलब ग्रहणी दोष भी था उनको, ग्रहणी की वजह से पाइस फिशुला की भी सर्जरी होके रखी थी, तो मतलब एक से एक जैसे कड़ी जुड़ती जा रही थी वो पूरा निकालती गई मैं। तो पेशेंट मैंने पूरा इतना अच्छे से हिस्ट्री लिया, फिर पेशेंट बोलता है मैम विडंगा सो मेरे पास है, मुझे सप्तविशन की गुगुल चाहिए, आप एक काम करो ये दो ही मेडिसिन लिखो, मैं इसको ही लूंगा। तो मैंने बोला फिर मैं तो ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाऊंगी, तो बोले नहीं मुझे कुछ मेडिसिन खाना ही नहीं है। पेशेंट वैसे ही गया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा सर उसकी हिस्ट्री लेते समय, क्योंकि एक समझ रहा था कि पेशेंट को कैसे देखूं और कैसे समझूं और कैसे ट्रीट करूं, बहुत अच्छा लगा सर मुझे, क्योंकि आप जो सिखाते हो वो मैं वहां पे अप्लाई करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है सर। जी सर जी। अभी मैम आप कल ना रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स पे हम लोग बात करेंगे, वो जरूर ज्वाइन करेगा क्योंकि मुझे आपको टॉपर लाना है आपकी जी यूनिवर्सिटी में। सर, सर कितने बजे रखा है आपने? आप बताइए दिन में पढ़ना चाहती हैं कि रात को इसी टाइम पे? ऐसे संडे को तो छुट्टी होता है,
रात को पढ़ना चाहते हैं कि सुबह दिन में? शाम को चलेगा सर, जैसे 8 बजे वाला सेशन स्टार्ट, सो 8 बजे वाला होता है या फिर 7 बजे भी चलेगा? हाँ, बाकी लोग जिनको रेस्ट करना करें, हम रिसर्च पढ़ेंगे। जी सर, ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू कंचन मैम, आप सच में कंचन है, सोना है, गोल्ड है आप। थैंक यू सर। जी वैशाली मैम, आप अनम्यूट करिए, देखिए अनम्यूट हो पा रहे क्या? नेहा मैम, जी हाँ सर, जी सर। जी, सर अभी जो सर एक पेशेंट बता रहे थे कफ जुन्माद हाँ का, सर मैं इस समय एक वाता जुन्माद का पेशेंट कर रही हूँ डील, तो उसमें सर यहाँ पर बहुत मेडिसिन्स तो नहीं मिल पाती हैं, तो मैं उसको जो है सर ब्राह्मी घृत दे रही हूँ और साथ में सर सारस्वत अरिष्ट दे रही हूँ, और सर हाँ और सारस्वत अरिष्ट दे रही हूँ, साथ में सर वात वात विध्वंसन रस दे रही हूँ, और सर रात में जो मांसादि क्वाथ दे रही हूँ, और एक सर चरक का सुमंटा टेबलेट आता है इतना दे रही हूँ, तो सर उसको काफी रिलीफ है, बिल्कुल पेशेंट सोता नहीं था उसको, मतलब रात रात भर उसको नींद ही नहीं आती थी, सोता ही नहीं था, तो उसको काफी रिलीफ है उसमें और उसके सिम्टम्स में भी काफी रिलीफ है मिला, 15 डेज ही हुआ है अभी, तो सर मैं ये जानना चाह रही थी मतलब आपने वातज उन्माद सर वो कैसे मतलब उसको मतलब सर वात वाले सर सारे लक्षण आते हैं, तो नींद नहीं आना, पूरे टाइम बोलते रहना, और मतलब सर वो थोड़ा सा बात बहुत ज्यादा करता है और उसकी बात समझ में नहीं आती है, और चल पूरे डायग्नोज दिन, हाँ जी सर पूरे दिन वो इररिलेवेंट टॉक करता है, और जब सर नींद नहीं आती है, तो नींद ना आना भी रात्रि जागरण वाला वो हो गया, किया तो आप? हाँ रात में नींद नहीं आती है उसको, उसकी वजह से भी थोड़ा सा बात का ही वो आया, और सर जैसे जब नींद नहीं आती तो और ज्यादा बात करता है क्योंकि बात बढ़ जाती है, जैसे अभी नींद आने लगी है कुछ, तो सर उसका थोड़ा सा बात करना कुछ कम हो गया है पहले अच्छा, से। जी हाँ सर, तो यहाँ पर एक्चुअली सर मेडिसिन नहीं अवेलेबल हो पाती है, नहीं तो ऐसे मेरा मन था उसको पंचगव्य घृत और ये सब देने का, यहाँ नहीं मिल पा रही है, तो ऑनलाइन मिल जाते सर थोड़ा सा गांव वाला एरिया है, ऑनलाइन आने में भी सर बहुत टाइम लग जाता है, ना मैम? हाँ, यहाँ पर एक ही मेडिकल स्टोर है सर, और तो वहाँ आप तो पर इतने जो इंटेलिजेंट है, आप खुद ही सिद्ध कर सकते हैं, घी लेके, पंचगव्य लेके सिद्ध करके जी सर अभी बना ही नहीं मैंने मेडिसिन कभी, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है सर कैसे बनेगा, सही आप बनेगा या त्रिवेदी नहीं सर के बनेगा। पास जाइए, वो आपके घर के पास में ही है, उनसे सब पूछ लीजिए। तो त्रिवेदी सर के पास सर जाने का अगर मिल जाए मौका, तो सर ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाएगी, अगर सर आज्ञा दें तो ये तो सर से पूछना पड़ेगा, नहीं आपको हरीश बत्रा सर से पूछना पड़ेगा, हरीश बत्रा सर जी सब। जी 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 सर बिल्कुल सर, बेटा बेटा बच्चा जी सर वो भी पढ़ रही है साथ में, बेटा शांत, डॉक्टर सर, सॉरी सर सॉरी सॉरी मैम, सर मैं सर, ये पूछना था सर कि जो तेल घृत बनाते हैं सभी का मूर्छन जरूरी होता है कि नहीं होता? ऐसे जी शास्त्रों में तो बोला है कि होना चाहिए, सर, हम जी खुद जी नष्ट हो जाते हैं। जी सर, जी जी आजकल कंपनियां जो है वो मूर्छना संस्कार कहाँ करती हैं, इसलिए जी उतना सर चंचल है। त्रिवेदी सर कुछ बोलेंगे इस पे, सर बोलिए सर, जी त्रिवेदी सर, सर। मैं ये मूर्छन के बारे में कुछ कहना चाहता था, और दूसरा वो जो मैडम कह रही थी, अजी साहब ये सब शास्त्रों में मौजूद है, मुझे कितना आता है जो मैं किसी को सिखा दूंगा, सब मौजूद है, आप शास्त्र में कोशिश करिए, थोड़ी सी हिम्मत करिए बनाने की, करने की, कम मात्रा में बनाइए, यूज करके देखिए, धीरे 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 धीरे, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ये फ्रांसिस बैकन कह के गए इतना पहले, आज से 550 साल पहले, आप करिए तो सही कोशिश। रही बात मूर्छन की, तो साहब वो जो कुसंस्कार लेके आया है, अगर आप उसके कुसंस्कार नहीं हटाएंगे तब तक वो आपके संस्कार कैसे ग्रहण करेगा? और तेल तो विशिष्ट है, आप उससे जो चाहे वो संस्कार छोड़वा सकते हैं, घी अपने संस्कार नहीं छोड़ता पर आपके दिए संस्कार को ग्रहण कर लेता है, इनको आप जैसे चाहे तैसे उसके सारे कुसंस्कार छोड़वा दें और अपने सारे संस्कार आरोपित कर दें, इसीलिए मैं तेल से ज्यादा चिकित्सा करता हूँ, घी से कम, तो मूर्छन तो आवश्यक है साहब, उसके बिना कैसे बात बनेगी। जी जी सर, धन्यवाद सर। जी जी
मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? ये छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी डॉक्टर है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनके बहू बेटा दोनों एक्सपीरियंस है, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है। मनीषा मैम का बात सुनिए, बहुत अच्छा बताएंगी। हाँ बताइए मैम। सर मैं भी एक केस है इस पर डिस्कस करना चाह रही हूँ। हाँ जी। एक 40 ईयर ओल्ड लेडी है सर, इसको यूट्रस में प्रॉब्लम है काफी समय से, और उसको सर्जरी के लिए बोल रहे हैं रिमूव करने को। इसका फाइब्रॉइड है समथिंग 8.2 × 8.4 × 5.6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है 200 cc का, और यूट्रस का साइज हो गया है इसका सर 470 cc का, बल्कि यूट्रस है। तो उसमें इसका हेतु यही सर कि एक पूरा परिवार का भरण पोषण करती थी, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखती थी, दिन भर काम करना, पानी कम पीना, स्ट्रेस रखना, और घी तो बिल्कुल भी कभी जीवन में इसने खाया ही नहीं, और मिर्च मसाले की सब्जियां ज्यादा खाना, और चावल दोनों तीनों टाइम खाना ये रहा है। और अभी इसको सर महीने में 2 बार ऐसे पीरियड्स आ जा रहे हैं, और ब्लीडिंग 10-10 दिन तक हो रही है ऐसे, तो ये कंप्लेन लेके आई है। तो इसको मैं कैसे करूं, कैसे देखूं, प्लीज इसको गाइड करें। थायराइड का साइज बहुत बड़ा है सर, ये हो जाएगा? हेलो हेलो। हाँ मेरा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, आप क्या प्रश्न पूछ रही है मैम? सर 40 ईयर ओल्ड लेडी है इसका, बल्कि यूट्रस है और फाइब्रॉइड है इसको। वो मैं सुन लिया, आप अब क्या करना चाहती हैं उनमें? तो इसको क्या, उसको सर्जरी में नहीं जाना चाह रही हैं, और उसको आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट। बल्कि यूट्रस है ना, जहाँ पर भी व्यास होता है वहां पे हमें बस्ती देना पड़ता है, वायु को शमन करना, बलून की तरह वो ऐसे फूल गए बलून की तरह। तो जब आप बस्ती देंगी ना, मात्रा बस्ती कंटिन्यू 3 महीना से लेके 1 साल तक, तो वो बल्कि यूट्रस नॉर्मल हो जाता है। और आप बाकी फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड है इतना 200 cc का, तो वो कैसे डिसॉल्व होगा इतना बड़ा? ये तो बहुत सारा दवाई है ना, मेरा एक कुबेराक्षादी वट्टी, वो बहुत बढ़िया काम करता है, वृद्धिवादी का वट्टी है, कुबेराक्षादी है, मास पाचक, मृदु पाचक, रौद्र रस, दंती पाचक वटी। तो वो दूर रहती है सर, लेकिन पंचकर्म वही है कि 1-8 महीने में 2-3 दिन के लिए रहेगी। वो खुद का खुद कर सकती है ना? वो यहाँ रहती नहीं है, दूर रहती है, 200 किलोमीटर दूर से आना जाना उसका तो पॉसिबल नहीं है, और काफी कैपेबल भी नहीं है, तो उसको इन केन प्रकार स्वस्थ रखना है, किसी दूसरे के रेफरेंस में आई है। तो सर खाने इतना के फल घृत बहुत अच्छा करेगा, कुमारी का जेल और गुड़, वो बहुत अच्छा काम करता है। और उनके जो बाकी सिम्टम्स हैं, क्या हैवी मेंसेस आते हैं क्या? हाँ अभी 2 महीने से उसको डबल डबल आ रहा है, 10 डेज आ रहा है से, काफी हैवी हो रहा है, वीकनेस भी कर रही है। हाँ कुछ शानुक की उनको तंदुलोदक के साथ दीजिए, कुलभद्रस, प्रद्रांतक लो, प्रद्रांतक रस, प्रद्रांतक लो, ये दे सकते हैं। और नाग केशर चून को कुटजारिष्ट के साथ दे दीजिए, हैवी मेंसेस ठीक हो जाएगा। और चंदन मलाल अक्षत तेल का अगर मात्रा बस्ती दिया तो इमीडिएटली हैवी मेंसेस कम हो जाता है। और फाइब्रॉइड की फिर जब चिकित्सा करेंगी आप, तो आपको ग्रंथि पाचन के लिए सारा, जैसे कुबेराक्षादी वटी से जल्दी जल्दी कम होता है, मांस पाचक में तो पाचक। सर वो घी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हैं, घी का उसको बोलती है, जैसे मैं अभी कल्याण घृत का भी कैप्सूल दी हूँ, तो उसमें ही बोलती मेरे को नौसिया आ रहा है, घी तो बिल्कुल नहीं खा सकती, उल्टी आ रहा, तो ये बड़ा मुश्किल है इसके साथ। चम्मच पहले नॉर्मल घी खाने लगे तो दीपन पाचन करेंगे तो फिर धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। जैसा होता है फिर मैं रिपोर्ट करूंगी सर। आपको मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ सर मैं अभी और भी मेडिसिन मंगाना भी है, आम पाचक बटी भी मेरा नहीं है, तो इसको वातज पित्तज है सर, और कफज तो है ही, वातज कफज और पित्त उग्र भी है इसका, और ड्राई रहती है, और 44 kg वेट है इसका ओनली,
और मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, मतलब परिवार के लिए मैंने सब कुछ नस किया से भी देना नस से। जरूरी है। जी हाँ, जी 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 बना तिल का नस से दे दीजिए हमको। हाँ सर, वो आज आई है तो उसको एडमिट की हूँ 2 दिन के लिए, और जी बाकी ये लेप वेप ये सारी चीजें चला रही हूँ मैं, और स्वेदन वेदन स्नेहन स्वेदन भस्ति ये सब करा दी हूँ, नस से भी करा दी हूँ, साथ में अभी कांचनार वगैरह साथ में चला रही हूँ, फिर इसको योग बना के 1 महीने का दे करके फिर नेक्स्ट मंथ बुला करके रिपोर्ट दे करके बताती हूँ। जी वैशाली सर। मैम, आप कुछ मैम बोलना चाह रहे हो? हाँ जी मैम, सर, मेरा सर एक सेम ऐसी एक पेशेंट थी मेरी, उसको हाँ 40 mm के आसपास सर कुछ फाइब्रॉइड का था, और बल्कि यूट्रस था सर उसको, और उसको 4 to 5 months से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी सर। वो 5 महीने से ब्लीडिंग रुका ही नहीं था। वो सर काफी जगह पर सर ट्रीटमेंट लेके आई थी, तो उस टाइम तो मुझे सर बहुत कुछ समझ में आता नहीं था, नया नया मेरा पोस्टिंग हुआ था यहाँ पर, तो मैंने उसको गोदंती, सुदर्शन चूर्ण, पुष्यानुप चूर्ण, लोध्र, प्रद्रांतक लौह एंड सर स्फटिका, इसका सर कॉम्बिनेशन दिया था, और सर उसको एक मरकरी फार्मा की एक टेबलेट आती है सर ओवरिल करके, उसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिलते हैं, वो मैंने उसको दिया था, और सर मैंने उसको दशमूल काढ़ा ये दिया था, और ये ट्रीटमेंट सर थोड़ा सा, और सर बोलबद्ध रस भी सर उसमें ऐड किया था मैंने। ये सर इतना मैंने उसको लगभग 4 महीने तक, 5 महीने, 4 5 महीने तक उसको सर उसके सिम्टम के हिसाब से देते देते उसका सर ठीक हो गया। मतलब मैं फाइब्रॉइड का तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन पेशेंट की ब्लीडिंग नॉर्मल हो गई, उसको नॉर्मल पीरियड्स भी आने लगे, और सर थोड़े से गांव वाले पेशेंट रहते हैं तो उनका क्या रहता है कि वो जल्दी से अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं कराते हैं, तो वो ठीक हो गई, तो फिर उसने आना फिर बंद कर दिया, आकर के एक दिन बस मिठाई लाके खिलाई, उसके बाद उसने अल्ट्रासाउंड कराया ना कुछ कराया। तो सर ये मुझे बताना था, ये मेरा केस था, वो उसका एज मैम, उसमें एक हेतु निकालना करिए कि क्यों ये फाइब्रेड हो रहा है। जी सर वही बता रही हूँ सर, उसका क्या था ना, वो ओवरवेट थी सर, ओवरवेट थी, और उसका जो रूटीन था वो सही नहीं था, वो मतलब घर में काम करते रहना, टाइम पे नहीं खाना, तो मैंने उसको बोल दिया था, उसका सर एक चार्ट बना दिया था मैंने, और उसको बोला था डेली कुछ किलोमीटर्स वॉक करने के लिए, और साथ में स्टार्टिंग में सर मैंने उसको वॉक करने के लिए बोला था, थोड़ी सी हैवी थी तो फिर बाद में मैंने उसको बोला था कि स्किपिंग और ये सब भी करे, क्योंकि उसका एज बहुत नहीं था, 38 38 39 एज था शायद, 38 to 39, तो मैंने उसको बोला था, तो उसने वो सब किया, और शायद मुझे लगता है अभी भी वो ठीक ही है। जी 4 5 महीने सर मैंने ट्रीटमेंट किया था उसका। ठीक है, बहुत बढ़िया जी मैम, आप ऐसे ही जी तरक्की करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं। हमेशा मैम आप धन्यवाद तरक्की सर। करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, कल सुबह 11 बजे हम लोग जो मधुमेह का बात कर रहे हैं उस पे 11 बजे सेशन होगा, सबको लिंक दे दिया जाएगा। अभी आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, सुबह कोई सेशन नहीं होगा, 11 बजे हम लोग कल मिलेंगे, और शाम को कोई सेशन नहीं होगा, लेकिन जो एमडी के लोग हैं जो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सेशन होगा, उसका हम बताएंगे टाइम। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब लोग खा पी के सो जाइए, थैंक यू।